आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ A woman of 35 year age with a married life of 8 years and have normal reproductive cycle visit a doctor along with her husband for consultation for infertility. तो यहाँ पे एक मैरिड वूमेन है जिसकी एज है थर्टी फाइव ईयर्स वो अपने हजबेंड के साथ जाती है एक डॉक्टर के पास बिकॉज उनको दिक्कत है इनफर्टिलिटी की इनफर्टिलिटी में इनफर्टिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें कपल जो है अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ यानी कि वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे हमें गिवन है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल तो फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है नॉर्मल है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है सो दे वर यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है या कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कि कोई भी मेथड जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में मदद करे उस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे हैव नो चाइल्ड उनका कोई चाइल्ड नहीं है द डॉक्टर एडवाइज देम

फ्लोट करते हैं उसके बाद फॉलिकुलर स्टडी ऑफ वाइफ तो ओवरी में जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है तो उसकी स्टडी के लिए उन्होंने एडवाइस दी उनको ब्लड टेस्ट फॉर फॉलिकल स्टलेटिंग हॉर्मोन यहाँ पे एफ एस एच की फुल्सम हॉर्मोन तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एफ एस एच अब क्वेश्चन है विद योर बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी एंड केस गिवन बिलो

और चारों ही हमें ऑप्शंस में गिवन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नंबर वन ओव्यूलेटरी फेज बट कैसे वो देखते हैं हम इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे हमने लिख दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वुमेन के केस में टिपिकली 28 डेज की होती है ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है बट ऑन एवरेज ये ट्वेंटी एट डेज़ की होगी इसमें सबसे पहला जो फेज होगा उसको हम कहेंगे मैंस्ट्रल फेज़ तो मैंस्ट्रल फेज वो है जिसमें आ, क्या होगा ब्लड फ्लो फ्रॉम यूट्रस बिकॉज एंडोमेट्रियम की वॉल जो है इसी फेज़ में डिसोशिएट होती है और ये फेज जो है थ्री से लेकर फाइव डेज तक रहता है नॉर्मल केस में सेकंड आता है फोलिकुलर फेज ये वो फेज है जिसमें ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एफएसएच जिसके बारे में हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा था फिर सी पे आता है ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पे हम लिखेंगे ओव्यूलेटरी फेज ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है ओव्यूलेशन मतलब जो एग है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है और ये फेज और ये होता है डे नंबर फोर्टीन पे यानी कि फोर्टीन डे पे ये चीज हमें देखने को मिलती है इसका रीजन है एल एच सर्ज यानी कि सर्ज का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर इस हार्मोन का एक सडन इंक्रीज होना एकदम से जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है वो हार्मोन है एल एच एल एच की जो फुल फॉर्म है वो है ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन यहाँ पे हम लिखेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अब ये हार्मोन ऐसा क्या करता है तो जो मोस्ट डेवलप स्टेज होती है किसकी फॉलिकल की जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल तो ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो फिर वो फट जाता है यानी कि उसकी हो जाती है और उसके रप्चर होने की वजह से ये जो ओव्यूलेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये वो चीज थी जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी और हमने आंसर दिया था ओव्यूलेटरी फेज बिकॉज ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है सर्च

स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नेट या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर